राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए दिया ज्ञापन। राजस्थानी युवा समिति ने राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने हेतु राजस्थानी युवा समिति लंबे समय से संघर्ष कर रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में पिछले 6 माह में कई कार्यक्रम हुए। जोधपुर में आयोजित माणक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से गुजरात चुनाव के बाद समिति से मिलकर बात करने का वचन दिया था, पर चुनाव के बाद भी समिति से नहीं मिले। उन्हें याद दिलाने के लिए सभी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और 3 फरवरी का अल्टीमेटम दिया। अगर मुख्यमंत्री 3 फरवरी से पहले समिति से नहीं मिलते हैं तो समिति धरना और भूख हड़ताल करेगी। नवभारत समाचार के लिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। राजस्थान युवा समिति पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रही है राजस्थानी को राज्य भाषा का मान्यता दिलाना वास्ते। श्री अपना झंडा है अशोक गहलोत जी जयपुर में माणक अलंकरण समारोह में खुला मंच घोषणा की थी कि गुजरात चुनाव के बाद में मैं आप सबने बुलाऊंगा और राजस्थानी में राज्य भाषा का दर्जा देवा वास्ते आपका साथ वार्ता करूँगा। तो ये बजट की और सत्र चालू हुई विधानसभा को, पर अशोक जी अपना अपनी वादा ने केवल 1 महीना में भूल गया है और राजस्थानी की यह मांग लंबा समय में चल रही है। देश आजादी और जदयू चल रही है, जो छोटी मोटी भाषाएं हैं वन्य मान्यता प्राप्त है, जो भाषा ने 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं है, वन्य भी अपना अपना राज्य अपने अपना घर में मान्यता दें, वन्य राजभाषा को दर्जा दे रखी है। जिसान छत्तीसगढ़ी ने छत्तीसगढ़ में मान्यता है, वह भाषा भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। और जिसान कोंकणी है जिन्हें 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली, खाली 4 लाख लोग ही कोंकणी भाषा बोलते हैं, पर इन्हें मान्यता अणी खातर मिली ताकि इन्हें पहली गोवा की सरकार अपना खुद का स्टेट में मान्यता देती। राजस्थानी लंबा समय में भाषा पर पड़ी है और माँ को निवेदन है सरकार हूँ अशोक गहलोत जी हूँ कि आप इन्हें अटने वटने टाड़ो मत दो, सरकार में सरक सरक मत चलाओ और इन्हें आप फटाफट राजस्थानी ने राजस्थान का मैंने राजभाषा को दर्जो धरो ताकि युवा ने इको रुझान मिले, इको फायदो मिले, रोजगार का मैंने फायदो मिले और जो इतिहास है, कला है, संस्कृति है विको भी संरक्षण हो गए। आज जो छोटा छोटा स्टेट आपने अपनी राजभाषा ने दर्जो दे दो है, भाषा ने महत्व दे दो है, वे आज आप देख लो कि पूरा विश्व में वह संगीत की धूम है। आज आपने कन्नड़ तमिल तेलुगु जो सिनेमा पूरा विश्व में छा रहे है, कहाँ छा रहे है, ताकि वटा का लोग वटा की सरकार वटा की भाषा ने मान्यता दे दी है। वटा जो पब्लिक जो वैकेंसी निकले सरकारी रोजगार, आप गुजरात में चला जाओ, PCS का मैंने खाली गुजराती ने मान्यता मिलेगा, गुजराती जो वटा का है वही वटा फाइट कर पाएगा। आज कोई IAS भी अगर उड़नो छावे तो वो राजस्थानी में बटे कोई भी एग्जाम फाइट नहीं कर सके। और IAS तो छोड़ो, आपने जो रीड को एग्जाम हो जिसका मैंने 7 भाषा हुआ, आप पंजाबी में आप भाषा को विकल्प ले रहे हो 30 नंबर का बात है, आप गुजराती को विकल्प ले रहे हो 30 नंबर का बात है, पर मैं राजस्थानी जो जनजन की भाषा है 10 करोड़ लोगों की भाषा है वहाँ मान्यता नहीं है। तो आप मैंने टाड़ो मत और अब इन राजस्थानी ने आप मान्यता दराओ, नहीं तो 3 तारीख को राजस्थानी युवा समिति जयपुर में विधानसभा को घेराव कर भूख हड़ताल करेला अनशन करेगा। जय जय राजस्थान।